हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वरुणा फैशन क्लब। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखा था, अब इसके आगे हम अपने बैक साइड का वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये मैंने कट कर लिया, जैसे फ्रंट में मैंने टू टू इंचेस पे कट किया था पेपर बकरम से निकाल के। अब इसको हम स्टिच करते हैं। नीचे साइड भी मैं ऐसे गोल पैटर्न कट कर ली हूँ। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसको हम स्ट्रिच करते हैं। मेरी बैक स्टिचिंग हो चुकी है। इसमें हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे पहले, जिससे मुझे इसको तुरपाई करने में बहुत आसानी होगी। मैं पेपर बकरम मैट करने के बाद इस पे ऊपर सिलाई लगा लूँगी, जिससे मुझे तुरपाई करने में आसानी होगी। इसको हम पूरा इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। मैंने स्टिच कर लिया है। बैक साइड की मैं कटिंग कर लूँगी। इस पर मैं बटन पट्टी और लगा लूँगी और शोल्डर ऐड कर लूँगी। फिर मैं स्लिप की डिज़ाइन दिखाऊँगी आपको। अब ये मेरी स्लिप कटिंग हो चुकी है। इसमें हम सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे। यहीं पे हम प्लेट ऐड करेंगे। और ये ब्लाउज़ मेरी 80 सेंटीमीटर में बनी हुई है, बहुत कम कपड़े में, फिर भी वो न्यू लुक ही दे रही है। यहाँ पे हम ऐसी प्लेट डालेंगे, दो इस साइड से फोल्ड करके, दो उस साइड से फोल्ड करके, जिससे मेरी आस्तीन फुली फुली थोड़ी सी रहे। और हम मशीन से इसको इस पे थोड़ा मशीन सिलाई ऐड कर लेंगे। और अब हम नीचे साइड, मतलब जहाँ पे हम बॉर्डर ऐड करेंगे, वहाँ पे प्लेट पहले डाल लेंगे। हमारा कम कपड़ा है, इसकी वजह से हम थोड़ा गैपिंग कर करके डालेंगे प्लेट। मैक्सिमम 2-2 इंचेस गैपिंग रहेगी। और ये ध्यान देना है कि हमें स्लिप छोटी ना पड़े। इंच टेप से पहले आप नाप लें और टिक लगा लें, फिर उसके बाद हम 2-2 इंचेस पे सारी प्लेटें ऐड कर लेंगे इस पर।
मैंने अपने आसिन पे प्लेट ऐड कर लिया है। अब हम इस पे बॉर्डर ऐड करेंगे। आस्तीन मतलब स्लिप को हम सीधा रखेंगे और बॉर्डर को हम उल्टा रखेंगे, उस पे हम मशीन से ऐड कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी कोशिश करें कि आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं इसको, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नीचे भी हम फोल्ड करके मशीन सिलाई करेंगे। फिर हम अपने आस्तीन को स्टिच करेंगे और अपने ब्लाउज़ पे ऐड करेंगे। पहले इसको हम स्टिच कर लेते हैं। एक सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे, फिर थोड़ी मजबूती के लिए हम डबल सिलाई भी लगाएंगे। नहीं तो हमारी अक्सर क्या होता है, किसी भी पार्टी में जाओ तो मेरी सिलाई पहले ही खुली खुली लगने लगती है। इसी तरीके से हम दोनों अपनी स्लिप बना लेंगे। ये भी मेरी स्लिप रेडी है, मेरी स्लिप बन चुकी है। इसको अब हम अपने ब्लाउज़ पे ऐड करेंगे। ब्लाउज़ मेरी उल्टा रहेगी और स्लिप मेरा सीधा रहेगा और उस पे हम अपनी स्लिप को ऐड करेंगे। पूरी स्लिप इसी तरीके से हम सिल लेंगे। मैंने अपनी ब्लाउज़ पूरी कंप्लीट कर ली है, स्लीव भी ऐड कर लिया है। आप खुद देख सकते हो बहुत कम कपड़े में मैंने ये बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।